नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर 300 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त होने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने उन पर तीखा हमला बोलते हुए रीवा में एक पोस्टर बैनर शेयर किया है, जिसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में ईडी की छापेमारी में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर 300 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए गए हैं और करोड़ों रुपयों की बरामदगी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का सहारा लेकर के बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने यह पोस्टर लगाकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसके साथ ही शहर के कुछ स्थानों पर होल्डिंग भी लगाए गए हैं।